बॉलीवुड के एक ऐसे डायरेक्टर जिन्हें कार उड़ाने में बहुत मजा आता है, उनकी हर फिल्म में आपको किसी न किसी सीन में कार हवा में उड़ती नजर आएगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के डायरेक्टर रोहित शेट्टी के बारे में। रोहित शेट्टी सिर्फ एक फेमस डायरेक्टर ही नहीं बल्कि प्रोड्यूसर भी हैं। रोहित शेट्टी एक्शन फिल्में बनाने में माहिर हैं और उनकी फिल्मों में एक्शन और मारधाड़ बहुत ही अलग लेवल पर दिखाया जाता है। रोहित शेट्टी बॉलीवुड के एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिनमें लगभग हर फिल्म 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करती है। उनकी लगभग हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोहित शेट्टी की पर्सनल लाइफ कैसी है और वो कैसी लाइफ स्टाइल जीना पसंद करते हैं? तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे रोहित शेट्टी की लाइफ स्टाइल के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बायोग्राफी। रोहित शेट्टी का रियल नाम रोहित शेट्टी ही है। 14 मार्च 1973 को मुंबई में जन्मे रोहित शेट्टी शुरू से फिल्मों के दीवाने थे। रोहित शेट्टी की स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई मुंबई में ही हुई है। उन्होंने अपनी शुरुआती स्कूल सेंट मैरी एस सेकेंडरी स्कूल मुंबई से पूरी की। रोहित शेट्टी के पिता बॉलीवुड के एक्टर और स्टंटमैन थे। यही वजह है कि उन्होंने बचपन से ही अपने घर में बॉलीवुड का माहौल देखा था और बॉलीवुड में उनकी जान पहचान भी थी, और इसलिए उन्होंने बचपन से ही सोच लिया था कि उन्हें भी फिल्मों में ही जाना है। क्योंकि उनके पिता स्टंटमैन थे, इसलिए रोहित को भी स्टंट और एक्शन से डर नहीं लगा और रोहित भी बचपन से अपने पिता को देखकर स्टंटमैन ही बनना चाहते थे। करियर। रोहित शेट्टी ने अपने बॉलीवुड में करियर की शुरुआत 1991 में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर की थी। रोहित शेट्टी ने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर सुपरहिट फिल्म फूल और कांटे में काम किया था, जिसमें सुपरस्टार अजय देवगन थे और ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही थी। उस समय रोहित शेट्टी सिर्फ 17 साल के थे, लेकिन फिल्मों को लेकर उनका जुनून अलग ही था और उनके जुनून ने कभी भी उनकी छोटी उम्र को उनके ऊपर हावी नहीं होने दिया। अगले 3 सालों तक रोहित शेट्टी असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में ही काम करते रहे, जिसमें उन्होंने सुहाग, हकीकत प्यार तो होना ही था, राजू चाचा, हिंदुस्तान की कसम और जुल्मी जैसी फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया। 2003 में फिल्म आई थी जमीन। इस फिल्म में रोहित शेट्टी ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया था, लेकिन उस समय रोहित शेट्टी को पहचान नहीं मिली और जब फिल्म गोलमाल का पहला पार्ट आया उसके बाद लोग रोहित शेट्टी को डायरेक्टर के तौर पर पहचानने लगे, क्योंकि ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही थी। इस फिल्म में आते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। इस फिल्म में कॉमेडी का जो तड़का रोहित शेट्टी ने लगाया था वो जनता ने बहुत पसंद किया। इसके बाद तो जैसे रोहित की किस्मत ही पलट गई और एक के बाद एक उन्होंने कई फिल्में डायरेक्ट की, जिनमें संडे, गोलमाल रिटर्न्स, ऑल द बेस्ट, गोलमाल 3, सिंघम और बोल बच्चन शामिल हैं। इनमें से लगभग सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। इसके बाद रोहित शेट्टी ने कुछ फिल्में प्रोड्यूस भी की। ये फिल्में हिट होने के बाद जनता समझ गई थी कि रोहित की कॉमेडी और एक्शन दोनों ही तरह की फिल्मों पर अच्छी पकड़ है। रोहित एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिनकी लगभग हर फिल्म 100 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन करती है, फिर चाहे सिंघम हो, बोल बच्चन हो या फिर सिंघम 2, सभी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों कमाए हैं। 2013 में रोहित शेट्टी ने दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान को लेकर फिल्म बनाई चेन्नई एक्सप्रेस। इस फिल्म ने तो जैसे बॉक्स ऑफिस पर धमाल ही मचा दिया। शाहरुख खान की एक्टिंग और दीपिका पादुकोण का साउथ एक्सेंट लोगों को इतना ज्यादा पसंद आया कि उन्होंने इस फिल्म को सुपर हिट बना दिया। फिल्मों के साथ साथ रोहित शेट्टी ने टीवी इंडस्ट्री को भी पीछे नहीं छोड़ा और 2009 से 2011 तक कॉमेडी सर्कस रियलिटी शो के जज बनकर उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में कदम रखा। इसके बाद 2014 में रोहित ने टीवी इंडस्ट्री में स्टंट रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी को होस्ट किया। इस साल ये खतरों के खिलाड़ी का सीजन 5 था और इस सीजन के बाद रोहित की होस्ट के तौर पर खतरों के खिलाड़ी में सीट फिक्स हो गई। तब से लेकर अभी तक रोहित शेट्टी ही इस शो को होस्ट करते आ रहे हैं। इसी साल 2014 में रोहित ने सिंघम 2 बनाई और उन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया। 2015 में उनकी फिल्म आई दिलवाले, जिसमें उन्होंने काजोल और शाहरुख खान के रोमांस को एक बार फिर पर्दे पर उतारा और उसको काफी पसंद भी किया गया। रोहित शेट्टी की डायरेक्ट की गई लगभग सभी फिल्में अभी तक बॉक्स ऑफिस पर हिट ही साबित हुई हैं और रोहित शेट्टी ने बॉलीवुड के अच्छे अच्छे सितारों के साथ काम किया, जिसमें अजय देवगन, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, काजोल, वरुण धवन, कृति सेनन, अरशद वारसी, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह शामिल हैं। रोहित शेट्टी को इंडस्ट्री के सक्सेसफुल डायरेक्टर्स में से एक माना जाता है और उनके एक्शन और कॉमिक सेंस को भी काफी सराहा जाता है। यही वजह है कि चाहे वो कॉमेडी कंटेंट लेकर आए या फिर एक्शन कंटेंट, लोग जरूर पसंद करते हैं। स्टंट करना रोहित शेट्टी का फेवरेट एक्शन होता है, इसलिए वो अपनी फिल्म के हीरो से भी काफी स्टंट करवाते हैं। ट्रेन से छलांग लगाना हो, कार को हवा में उड़ाना हो या फिर बिल्डिंग से नीचे कूदना, रोहित शेट्टी अपने हीरो को कोई भी स्टंट दे सकते हैं। फैमिली। रोहित की फैमिली की बात करें तो उनके पिता का नाम MB शेट्टी है, जो कि हिंदी और कन्नड़ फिल्मों में स्टंटमैन और एक्टर के तौर पर काम करते थे। इनकी माँ का नाम रत्ना शेट्टी है, जो कि बॉलीवुड के जूनियर आर्टिस्ट थी और कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं। रोहित शेट्टी के 4 भाई बहन हैं। उनकी वाइफ का नाम माया रोहित शेट्टी है। रोहित का एक बेटा भी है जिसका नाम ईशान शेट्टी है। हाउस। रोहित शेट्टी के घर की बात की जाए तो उनके पास कई सारे लग्जरियस हाउस हैं और कुछ ही समय पहले उन्होंने जुहू में एक 10-स्टोरी लग्जरियस बिल्डिंग भी खरीदी है, जिसे उन्होंने शेट्टी टावर का नाम दिया है। बताया जाता है कि रोहित शेट्टी का ड्रीम हाउस है। रोहित के ड्रीम हाउस की फोटोज और वीडियो देखकर समझ में आ जाता है कि यह कितना आलिशान है। इस घर में रोहित शेट्टी के लिए सुविधा की सारी जरूरतें मौजूद हैं। रोहित शेट्टी के इस ड्रीम हाउस में स्विमिंग पूल, जिम, आलिशान बेडरूम, मॉड्यूलर किचन, एक शानदार गार्डन, कार के लिए बड़ी पार्किंग, गैराज, यहाँ तक कि सिनेमा हॉल भी मौजूद है। इस घर में मौजूद शेट्टी अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। इसके अलावा रोहित शेट्टी का नवी मुंबई में भी एक घर है जिसकी कीमत 6 करोड़ रुपए। ये घर रोहित ने 2013 में खरीदा था। कार कलेक्शन। अब बात करें रोहित के कार कलेक्शन की। जैसा कि आप जानते हैं कि रोहित शेट्टी अपनी फिल्मों में कार को हवा में उड़ाने का बहुत शौक रखते हैं, लेकिन रोहित असल जिंदगी में भी कारों का बहुत ज्यादा शौक रखते हैं और उनके पास बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनी की महंगी कार मौजूद है। रोहित के पास येलो कलर की लैम्बोर्गिनी उरुस
मौजूद है जिसकी कीमत 3.10 करोड़ रुपए है। इनके पास एक मसेरती ग्रेन टूरिस्मो भी है जिसकी कीमत 2.25 करोड़ रुपए है। रोहित के पास एक रेंज रोवर वॉक भी है जिसकी कीमत 2.40 करोड़ रुपए। इसके अलावा उनके पास BMW X6 भी है जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है। रोहित शेट्टी के पास एक रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी भी है जिसकी कीमत 2.60 करोड़ रुपए है। 1.57 करोड़ रुपए की ऑडी A8 भी रोहित शेट्टी रखते हैं। रोहित के पास मर्सिडीज बेंज एस क्लास भी है जिसकी कीमत 2.5 करोड़ रुपए। सैलरी, रोहित शेट्टी का अपना एक प्रोडक्शन हाउस है जिसके अंदर वो फिल्में बनाते और प्रोड्यूस करते हैं। इसमें न सिर्फ उनके डायरेक्ट की हुई फिल्में बनती हैं बल्कि दूसरी फिल्में भी बनती हैं जिन्हें रोहित प्रोड्यूस करते हैं। उनके इस प्रोडक्शन हाउस से रोहित शेट्टी की काफी अच्छी कमाई हो जाती है। इसके अलावा रोहित ने कई जगह कई सारे इन्वेस्टमेंट की हुई है, इससे भी उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। आपको बता दें कि रोहित शेट्टी भारत में सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाले लोगों में से एक है। नेटवर्थ, रोहित शेट्टी की नेटवर्थ की बात करें तो रोहित शेट्टी का नेटवर्थ 280 करोड़ रुपए और पिछले कुछ सालों में उनके नेटवर्थ में 58% का इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कि जब से उनकी फिल्में सुपरहिट होती जा रही हैं और लोग उन्हें डायरेक्टर के तौर पर पसंद कर रहे हैं, उनकी नेटवर्थ में भी इजाफा हुआ है। और हो भी क्यों ना, उनकी हर फिल्म 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करती है, ऐसे में उनकी नेटवर्थ का बढ़ना लाजमी है। दोस्तों, ये थी रोहित शेट्टी की लाइफस्टाइल के बारे में वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।